गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज जैस्मिन अगेन विद अ ब्रांड न्यू वीडियो। एकदम सुबह सुबह अभी 10:30-11 बजे होंगे और मैं जस्ट उठ के ना अपनी कॉफ़ी तैयार करने जा रही थी, तो मैंने सोचा कि इस ब्लॉग को भी स्टार्ट कर देते हैं। और अभी जस्ट मैं बाल वाल धोई हूँ तो अभी भी गीले हैं, सो ऐसे ही खुले छोड़ी हूँ ताकि सूख जाए, एयर ड्राई हो जाए, क्योंकि हमारे पास एयर रैप तो है नहीं, तो एयर ड्राई से ही मुझे वो फालतू का इन्वेस्टमेंट लगता है मेरे पर्सनल नोट पे, क्योंकि इतना एयर रैप काम नहीं आता है। जैसे मेरे फ्रेंड्स ने खरीद रखा है, बट देन उनकी बेटियां वगैरह हैं तो वो आगे भी काम आ सकता है, बट मेरे लिए कोई काम नहीं है वो। एंड वैसे भी मैं अपने बालों को उतना ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, तो इसलिए चल जाएगा। लाइक मैं क्या क्या खाती हूँ टाइम से टाइम, तो वो मैं दिखाऊंगी। अभी सबसे पहले मैं अपनी कॉफ़ी बना रही हूँ, मेरी कॉफ़ी बहुत सिंपल होती है, तो वो कैसे बनाती है वो भी दिखाऊंगी। उसके बाद आज मैं उपमा बना रही हूँ, जिसकी तैयारी मैंने करके रख ली है, पूरी चॉपिंग वपिंग करके रख ली है, तो उपमा बनाने वाली हूँ। और क्या, उसके बाद क्या क्या खाती हूँ मैं सब दिखाऊंगी रात तक का, ठीक है। चलिए व्लॉग की शुरुआत करते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि पूरा व्लॉग बस खाना खाना होगा, जैसे मैं इतना खाती नहीं हूँ, तो इसलिए थोड़ी बहुत चीज़ें भी हैं जो मैंने खरीदी है रिसेंटली, वो सब भी दिखाऊंगी, तो सारा मिक्स काइंड ऑफ व्लॉग रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ना खुले बाल बस देखने में अच्छे लगते हैं, बट जब कुकिंग करते रहते हो ना, स्पेशली जब आप ना बाल धोए रहते हो उस दिन, तो आपको बाल को बांधना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे बाल झड़ते रहते हैं, जिसकी वजह से कुकिंग वुकिंग में भी बाल आ सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो किया है वो अपने बालों को बांध लिया है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बहुत अच्छी रोशनी आ रही है, बट आज मौसम काफ़ी सुहाना है, ऐसा नहीं कि धूप है, अभी तक तो नहीं है, जैसे ही मैं बोलती हूँ ना धूप स्टार्ट हो जाती है। यार वो एक बाल जो आपके पीठ पे अटकता है ना, बहुत तंग करता है। सो ये रहा दूध का कैन, एंड यहाँ पे मैं दूध निकाल रही हूँ सनी के लिए, क्योंकि वो दूध पीते हैं नाश्ते में, एंड इसमें मैं गुड़ डाल के दूँगी उनको। और ये देखिए, ये मेरी कॉफ़ी कप है, और इसमें मैं इतना सा दूध डालूँगी, 1/4 दूध बस, ठीक है। और इसमें अभी बाकी का पूरा पानी डलेगा, पूरा बाकी का पानी डलेगा, एंड इतनी कॉफ़ी पीती हूँ मैं सुबह की। तो अब इसको पहले ओवन में मैं माइक्रोवेव कर लूँगी, तो डेढ़ मिनट रखती हूँ मैं माइक्रोवेव में, परफेक्ट गर्म हो जाता है ये। ये देखिए स्टीम भी निकल रहा है इसमें से। और मेरा मेजरिंग स्पून है काइंड ऑफ, ये स्पून से मैं 1.5 कप ऑफ स्पून ऑफ कॉफ़ी डालती हूँ। सो ये देखिए फ्लैट, ठीक है, तो ये रहा एक, और फिर ये रहा आधा, तो ये रही मेरी कॉफ़ी। क्योंकि मैं ब्लैक कॉफ़ी या ब्लैक टी ऐसा कुछ भी मैं पी नहीं सकती, मुझे दूध थोड़ा बहुत चाहिए। एंड वैसे भी मैं क्या डाइटिंग पे नहीं हूँ ना, इट्स जस्ट दैट आई एम कटिंग ऑन शुगर, तो इसीलिए ये वाली कॉफ़ी मेरे लिए परफेक्ट होती है। डन, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली, तो ये वाली कॉफ़ी यूज़ करती हूँ मैं बहुत बार दिखा चुकी हूँ, अगर आपको ट्राई करना है तो ये रिच अरोमा वाली डेविड ऑफ ट्राई करना। सो देखिए ऑलमोस्ट तैयार हो रहा है, हाँ वे तक तो आ गया है। तो जैसे आप लोगों को पता है आम का सीज़न स्टार्ट है, ऑलरेडी आम का सीज़न चल ही रहा है अभी, तो आम के सीज़न में हमेशा हुबली में, बचपन से जो भी मैंने देखा है मेरे नानी के घर में, मम्मी के घर में, सब कुछ ना, हम पूरम पोली बनाते ज़रूर हैं। तो पूरम पोली महाराष्ट्र की फेमस होती है, वर्धन हमारे कर्नाटक में बहुत सारे लोग खाते हैं। तो मैंने चने की दाल लाई है, तो अभी चने की दाल चढ़ाने वाली हूँ मैं, ताकि उसका फीलिंग बना पाऊँ। और शाम को मैं एक्सरसाइज जब जाऊँगी तब मैं आम लेके आऊँगी इंडियन शॉप से, और फिर मैं रस बना के आम के साथ, मतलब पूरम पोली के साथ खाऊँगी। ये कुछ पिज़्ज़ा सीजनिंग है, ये बाहर रख रखे ना थोड़े से सील जाते हैं, तो इसीलिए अभी मैं ये सब कुछ फाड़ के ना, ये पिज़्ज़ा सीजनिंग की मेरे पास बॉटल है, तो उसमें अभी मैं भर रही हूँ ताकि ईजी हो जाए डालने यूज़ करने में भी, और ये सैशे सील ना जाए, क्योंकि रख रख के सील जाते हैं एक्चुअल में। एंड ऑल्सो मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए एंड पूछे हैं कि क्या आप डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो क्या। मैं कोई डाइट प्लान फॉलो नहीं करती हूँ, मैं बस अपना नॉर्मल खाना खाती हूँ, बस कंसिस्टेंसी रखती हूँ अपने वर्कआउट में एंड ऑल्सो अपने खाने की रूटीन एंड टाइमिंग्स में। देखो ऐसा नहीं है कि हम भी इंसान ही है, कभी कभार हमको भी आलस आ जाता है, कभी कभार हमको भी लगता है कि इस चीज़ को छोड़ के कुछ अलग करें जैसे हम पहले फॉलो करते थे, तो मुझे भी ये सब रियलाइज़ होने में काफ़ी टाइम लगा है। ऐसा नहीं कि एकदम से मुझे भी लगा कि अरे नहीं मैं तो पहले से ही ऐसे ऐसे
हूँ, ऐसा नहीं है। धीरे धीरे ही आपको रियलाइज होता है, जब आपको सब अपने आप से खुद रियलाइजेशन होता है ना, तो तब आपको ये सब कुछ करना चाहिए, ठीक है। तो ये कोई बुरी बात नहीं है। जैसे कि अभी देखो हम इंटरमीडियंट काइंड ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग ही है हमारा, क्योंकि हम शाम को 7:30-8 बजे खाना खाने के बाद हम डायरेक्टली नेक्स्ट डे ब्रंच ही करते हैं। तो ऐसे होके ना वो बीच में 15 to 16 hours का जो ब्रेक होता है, जो आपकी बॉडी को एक्चुअल में बहुत ज़रूरी होता है, तो वो भी मिल जाता है। एंड ऑल्सो उसके बाद जब हम खाते हैं ब्रंच, और वो जो गैप होता है ना, जो विंडो गैप होता है, जो हम ब्रंच से लेके रात के डिनर तक, रात को क्या हम शाम को ही डिनर कर लेते हैं ऑलमोस्ट 7:30-8 बजे तक, तो उसके बीच जो गैप है ना, उसमें हम जो मर्जी है वो खाते हैं। ऐसा नहीं है कि हम मैं कोई डाइट कर रही हूँ या फिर एकदम ये नहीं खाना है वो नहीं खाना है, ऐसा नहीं है। आप मेरे अगर मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा मैंने इतनी सारी मेरी जो क्रेविंग्स होती है वो सब बनाती हूँ मैं, एंड ऑल्सो जो भी मेरा मन करता है हम बाहर जाके खाते हैं। बट ऐसा नहीं कि हम रोज़ ही कुछ अनहेल्दी सा खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बट देन थोड़ा सा आप कंट्रोल रखिएगा अपने ज़ुबान पे एंड अपने थोड़े से क्रेविंग्स पे, यू नो, क्योंकि होता है ना यार, कभी कभार आपको खुद को फीलिंग आ जाती है कि हमको अच्छा हेल्दी खाना चाहिए, हमको ऐसा सब जंक वंक ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा तकलीफें देता है। एंड मैं खुद ही ऑब्जर्व कर रही थी अपनी बॉडी को, मैं इतना ज़्यादा लेज़ी फील करती थी उठने के बाद। बेशक आप मुझे व्लॉग्स में देखते होगे, मैं इतना काम करती हूँ वो सब, आप मेरी ज़िंदगी का बस एक छोटा सा पार्ट आप 15 मिनट्स में देख रहे हो, ओके। बट देन मैं पूरा दिन यहाँ पे मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ मुझे खुद को ही पता है, जब मैं वो उस चीज़ से मैं गुजर रही हूँ एंड डेली उस लाइफ को मैं लिव कर रही हूँ। आप सिर्फ उसमें से 15 मिनट्स देखते हो, जिसमें से मैं भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ही डालती हूँ, जैसे कि कभी कभार मैं लेजी हूँ तो मैं उसमें नहीं डालती होगी, ओके। ये सब नेचुरल है, कोई भी हर चीज़ अपनी बताता नहीं है व्लॉग्स में, ये मैं खुद एज अ व्लॉगर बोल रही हूँ आप लोगों को। अब मैं भी वही चीज़ें दिखाऊंगी ना, चलो मैं तैयार हुई, बाहर गई, ये वो छोटे छोटे अप्स एंड डाउन्स कौन दिखाता है। तो आप सिर्फ 15 मिनट्स को देख के जज नहीं कर सकते हो कि अरे डाइटिंग कर रहे हो, ऐसे ऐसा नहीं है। मैं डाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं कर रही, जैसे आज मैं पूरन पोली बना रही हूँ, जो कि एक्चुअल में बहुत ही अच्छा कुछ ऐसा माना जाता है क्योंकि मीठा होता है, बट देन जैगरी है, जैगरी इज़ रियली गुड फॉर हेल्थ। हाँ, बट मैंने कुछ कुछ चीज़ें अपने डाइट में मैंने चेंज की है, जैसे कि मैं शुगर इंटेक को बिल्कुल ही बंद कर दी हूँ, क्योंकि मैं शुगर मतलब जाता है थोड़ा बहुत शुगर जब, मगर मैं इंटेंशनली इसमें डाल के शुगर खाना है पीना है ऐसे नहीं करती हूँ। थोड़ी थोड़ी चीज़ों में अपने आप से शुगर कंज्यूम हो जाता है, जैसे कि उपमा बनाया था आज मैंने, उपमा में थोड़ा सा शुगर डलती है, ठीक है। उसको अगर गुड़ से रिप्लेस करोगे तो वो टेस्ट नहीं आएगा, एंड मैं जो बचपन से खाई हूँ मुझे वही टेस्ट चाहिए, तो वैसे हो कि उसमें शुगर जाता है। एंड कभी कभार मुझे बहुत क्रेविंग होती है, मैं केक्स खा लेती हूँ, पेस्ट्रीज खा लेती हूँ, एंड जो मैं फ्रोजन योगर्ट खाती हूँ वो तो 0% शुगर होता है, बट देन उसके ऊपर जो टॉपिंग्स डलाती हूँ मैं, जैसे कि डार्क चॉकलेट सॉस डलाती हूँ, उसमें थोड़ा शुगर होता है। तो ऐसा नहीं कि मैं कोई स्ट्रिक्ट डाइट कर रही हूँ, बट देन स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स मेंटेन कर रही हूँ, जैसे कि डिनर हम अर्ली डिनर कर लेते हैं, फिर उसके बाद शुगर का जितना हो सकता है उतना कम आइटम खाओ, एंड देन नींद अच्छी लेने ट्राई करो। नींद का मेरा अभी भी ऊपर नीचे हो रहा है, मैं लेट सोती हूँ, मुझे पता है वो चीज़, बट देन उसका मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ क्योंकि मैं पहले से वैसी ही सोती आई हूँ। और उसके अलावा बाकी कुछ नहीं। हाँ, कंसिस्टेंसी इन एक्सरसाइज, वर्कआउट करिए आप, बेशक 15 मिनट्स ही कीजिए, 15 मिनट्स इज मच मोर इनफ, 15 मिनट्स ही कीजिए, बट देन कंसिस्टेंसी एवरी डे, जस्ट एक दिन आप गैप दीजिए। एंड ऑल्सो मेरे चीट डेज बहुत बड़े बड़े होते हैं, मेरे चीट डेज ऐसे नॉर्मल वाले नहीं होते, जैसे कि हम कभी बाहर जाते हैं ना यहाँ पे खाने वाने भी, एकदम से मैं फ्राइड चिकन खा लेती हूँ, एक पूरा पिज्ज़ा खाती हूँ मैं रेगुलर साइज का, रेगुलर में छः स्लाइसेज ऑफ पिज्ज़ा होते हैं, वो पूरा मैं खा लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट देन या इट्स गुड टू मेंटेन, यू नो, रादर देन ओवर ईटिंग एंड फिर बाद में पचता हो, तो थोड़ा बहुत मेंटेन करना अच्छा है। तो आई होप बहुत सारी लड़कियों के क्वेश्चंस आंसर हो गए होंगे, क्योंकि मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे मेरे सब्सक्राइबर्स से कि शेयर करो, ऐसा एज सच कुछ भी शेयर करने के लिए है नहीं मेरे पास, बट ये बातें हैं जो शायद आपको काम कर सकती है। एक्चुअली आज के दिन मैंने सोचा था कि मैं अपने नेल कलर चेंज करूंगी, मैं नेल्स बनाऊंगी अपने, बट देन मुझे पूरन पोली भी बनानी है, एंड उसका जो फिलिंग होता है ना वो बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। अभी एक बारी कुकर की सीटी आ जाए ना, 5-6 सीटी होनी चाहिए, तो दाल पूरी गल जाएगी। फिर उसके लिए मसाला बनाना है, एंड देन उसको घोटते रहना है जब तक वो थिक नहीं हो जाता फिलिंग। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज नहीं बनाऊंगी, क्योंकि अगर मैं नेल्स करने बैठी तो मुझे आराम से 2-2.5 घंटे 3 घंटे भी लग जाते, क्योंकि मैं खुद से करती हूँ, एंड अभी नया स्टार्ट किया है मैंने, तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं उस चीज़ में, टाइम लगता है, जो है सो है, ठीक है। शायद दूसरे पे अगर मैं कर रही हूँ तो बहुत ईजिली कर सकती हूँ, क्योंकि लेफ्ट से राइट हैंड करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो इसीलिए मैंने आज सोचा कि आज को स्किप कर देते हैं। सो परसों वीकेंड पे ना हमारे घर सुहाना एंड फैमिली आए थे, निकिता जो मेरी फ्रेंड है,
तो सुहाना ने मुझे बहुत ही क्यूट सा एक गिफ्ट दिया है, ये देखिए कितना प्यारा सा है, कुछ ऐसी डॉल है और ये है ना केक के स्लाइस के ऊपर बैठी हुई है, देखिए पेस्ट्री है, पेस्ट्री के ऊपर ये बैठी हुई है, ये कितनी प्यारी है। तो मुझे हमेशा कुछ ना कुछ ऐसे देती रहती है, देखिए कितना क्यूट है, बहुत ही क्यूट सी लगी मुझे ये। वो दिखा रही थी एंड मैंने रिसेंटली ये वाला एक पाउच खरीदा, क्योंकि बहुत दिन से मैंने कुछ भी दिखाया नहीं कि मैंने क्या खरीदा है। ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें जो मैंने खरीदी है, एक्चुअली मैंने उसका व्लॉग ही नहीं बनाया क्योंकि व्लॉगिंग भी कम हो रही थी। तो ये मैंने एक टाइपो से एक पाउच खरीदा जो कि कभी हम ट्रैवल वेल करते हो तो काम आ सकता है। देखिए मैं सोच रही हूँ कि मेकअप के लिए भी अच्छा रहेगा ये, मेकअप मतलब जो भी मेरे डेली स्किन केयर वगैरह काजल मस्कारा वगैरह होता है, मतलब काजल लाइनर वगैरह होता है वो सब भी मैं रख सकती हूँ। जैसे कि इसमें ये वाला सेक्शन भी दिया हुआ है जिसमें ऐसे ब्रशेस वगैरह आ सकते हैं, एंड देन यहाँ पे एक पाउच है और ये जिप वाला एक नेटेड पाउच है, इसमें से मुझे दिखेगा भी अगर कुछ रखा है तो ये वाला मैंने टाइपो से लिया रिसेंटली है ना, बहुत अच्छा लगा मुझे इसका कलर भी एंड टाइपो लिखा हुआ है। एक बीच बैग ली विक्टोरिया सीक्रेट से, तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगी एक्चुअली, ये मेरे से ज़्यादा सनी को बहुत पसंद आई, सनी ने बोला कि ये बैग तो आपको लेनी चाहिए, ये विक्टोरिया सीक्रेट की है। देखिए बीच बैग है ये, जैसे कि हम बीच प्लेसेस पे बहुत जाते रहते हैं, ट्रैवल वेल करते रहते हैं, थाईलैंड जाते रहते हैं एंड कहीं भी यू नो एनी वेयर, ज़रूरी नहीं कि आप बीच ही लेके जाओ, बट कहीं भी आप अगर आप बाइक वाइक पे भी जा रहे हो तो ये बैग कैरी कर सकती हूँ मैं। कलर देखिए इसका कितना प्यारा है एंड यहाँ पे ऐसे बना है विक्टोरिया सीक्रेट लिखा हुआ है और इसको एक हैंडल भी है एंड पीछे ऐसा है, ये ना ये पूरा ऐसे खींच के ना इसको ऐसा दिया है इन्होंने, तो ये ऐसे टाइट हो जाएगा, ऐसी बैग हो जाएगी, जब सामान डालेंगे इसमें तो आपको अच्छे से समझ आएगा एंड ये पीछे बैक पे बैक पैक के जैसा आ जाएगा। तो ये इतना पसंद आया सनी को ही ना, और यहाँ पे देखिए बीच का ये भी दिया है इन्होंने, जैसे कोकोनट ट्री का ऐसे बनाया हुआ है, देखिए कोकोनट ट्री विथ विक्टोरिया सीक्रेट का वी एंड विक्टोरिया सीक्रेट लिखा हुआ है। सो ये मुझे बहुत पसंद आया, मतलब मेरे से ज़्यादा तो एज आई सेड सनी को बहुत अच्छा लगा है बैग, तो सनी ने मुझे बोला कि ये तो आपको लेनी ही चाहिए, जब आप इतनी सारी विक्टोरिया सीक्रेट की चीज़ें लेते हो तो ये तो होना बनता है आपके पास, तो मैंने ये लिया। एंड ऑल्सो मैंने कुछ ये ऐसे वाले ट्रैवल टॉवल सेट लिए हैं क्योंकि हम अभी कुछ ट्रिप प्लान कर रहे हैं इन फ्यू कमिंग डेज, तो उसमें ना ये बहुत काम आने वाले मुझे लगा, ये काइंड ऑफ यूज एंड थ्रो भी है, बट देन वो आंटी ने बोला शॉपकीपर ने कि ये रीयूज भी कर सकते हैं हम, तो देखती हूँ मैं पहले। सो मैंने एक खोल के देखा था कि कैसे हैं, इसमें दो फेस टॉवल हैं एंड एक शावर टॉवल है, बेथिंग टॉवल, तो ये देखिए इस साइज़ का फेस टॉवल है एंड बहुत अच्छा मुझे कपड़ा लगा, ऐसे फटने वाला नहीं है ये, बहुत अच्छा पतला सा हल्का है, आप कहीं भी अपने पर्स में भी रख लेके जा सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा हो जाता है फोल्ड होने के बाद। बेथिंग टॉवल भी ऐसा ही है, ये देखिए इतना छोटा हो गया है, तो इसको मैं कहीं भी रख लेके जा सकती हूँ एंड इट्स ईजी टू यूज़, और अगर चाहो आप ये फेंक के भी आ जाओ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्योंकि ये बस $2 का है ये पूरा सेट है ना, इसमें तीन चीज़ें हैं, दो फेस टॉवल एंड एक बॉडी मतलब बेथिंग टॉवल, तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और ये बैम्बू फाइबर से बना हुआ है, सो यू नो कुछ लोगों को अगर एलर्जी वगैरह होती है ना तो ये वाला यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने जापान होम से लिया है, सिंगापुर में जो लोग रहते हैं उनको जापान होम पता होगा, चीज़ों की दिखाने की और कुछ याद आता है तो मैं आपको बताऊंगी। एंड बहुत सारी फ्रेंड्स ने मुझे पूछा है कि मेरा नेल्स का सारी चीज़ों को दिखाओ, कैसे मैं अपने नेल्स बनाती हूँ, तो मैं जब बनाऊंगी इस बार तो आपको मैं व्लॉग करके दिखाऊंगी कि क्या क्या चीज़ें मैंने मंगाई है। ऑलमोस्ट अराउंड मैंने $50-60 खर्चा करके सारी चीज़ें मंगाई है क्योंकि एक बार मैं नेल्स बनाने जाती थी मैं ऑलरेडी $40-50 मैं उसमें स्पेंड करती थी, बट दिस इज़ लाइक फॉर मैनी ईयर्स, तो मेरा सेट है यू नो नेल्स का भी। देखिए कुकर की सीटी अभी 6 हो गई है और 2 देते हैं उसके बाद मैं बंद करूँगी। एंड ऑल्सो मैं ये शेयर करना चाहती हूँ आप लोगों से कि मैंने ये फॉलो करना स्टार्ट किया है, करीबन 1.5-2 साल हो गए अभी। पहले मैं क्या करती थी, धुले हुए कपड़े जब आते थे ना धुल के तो वहीं पे पड़े रहते थे बेड पे, ऐसे ही हीप जमते जाते थे। एक बारी तो मैंने 1.5 महीने के कपड़े हीप कर दिए थे, पता नहीं फॉर नो रीज़न, ठीक है, एंड मैं खाली रहती थी, ऐसा नहीं था कि मुझे करना नहीं था, बट देन पता नहीं मुझे कपड़े फोल्डिंग करना बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था, आयनिंग और फोल्डिंग, बट देन फिर मुझे अपने आप को रियलाइज़ होने के बाद मैंने ये स्टार्ट किया है तरीका कि जैसे ही धुल के आते हैं ना इमीजिएटली मैं उसको फोल्ड करके रख देती हूँ। इससे क्या होता है मालूम,
कपड़े पड़े भी नहीं रहेंगे और आपका फटफट से काम भी हो जाएगा। एक्चुअली ना सेल्फ रियलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मम्मी हमेशा बोलते थे मुझे कि जब तक आपको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं होता ना आप किसी भी चीज़ को फॉलो नहीं करते हो। तो ये कपड़ों का मुझे बहुत झमेला लगता था यार, मेरे और सनी के बीच बहुत बारी आर्ग्यूमेंट्स इन कपड़ों के ऊपर भी होती थी ना, क्योंकि उनको नीट हर चीज़ नीट रहना पसंद है एंड मैं कभी कभार ये कपड़े छोड़ देती थी ऐसे ही। बट देन ये मैं जब से फॉलो की हूँ ना माई लाइफ हैज़ बिकम सो ईजी एंड नीट रहता है हमेशा, और जब धुले हुए रहते ना फ्रेश कपड़ों की खुशबू अलग होती है एंड उसको फटाफट से कवर्ड में रख दो तो नीट भी रहता है, हर चीज़ परफेक्ट रहती है एंड कपड़ों पे भी वो गंदी वाली लाइंस वगैरह नहीं आती है, क्रीज वगैरह यू नो। तो ये आप फॉलो करके देखिए, जैसे ही आप कपड़े लेके आ रहे हो इमीडिएटली आप फोल्ड करके रख देना, आपका आधा काम खत्म हो जाएगा, डन लगेगा आपको यू नो। सो या डेफिनेटली ट्राई दिस। ये देखिए, जो लोगों को आप महाराष्ट्रियन मतलब पूरमपोली खाए हो आपको पता है उसके साथ एक कट की कड़ी बनती है। कट वो होता है जो दाल गलाने के बाद उसके अंदर का जो पानी छूटता है ना, वो पानी को निकाल के कड़ी बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो कड़ी के लिए यहाँ पे देखिए प्याज को भून रही हूँ मैं, ये सब कुछ मिक्सी ग्राइंडर में डालना होता है, अदरक लहसुन कड़ी पत्ता। मैंने मम्मी से अभी रेसिपी पूछी क्योंकि ये रोज़ नहीं बनाते हैं ना हम, तो मुझे रेसिपी इसकी एग्जैक्ट पता नहीं थी। अभी बस मैंने मम्मी को कॉल करके पूछा कि कड़ी की रेसिपी देना, क्योंकि मम्मी ने लास्ट वीक कड़ी एंड पूरम पोड़ी वगैरह सब बनाए थे। मम्मी ना चाहे उनके पैरों में दर्द हो चाहे उनकी तबीयत खराब हो, मगर है ना ये सब में कोई कमी नहीं छोड़ते वो। उनको अगर उस सीजन का वो खाना बनाना है ना, वो डेलिकेसी बनानी है तो बना के ही खाते हैं। मैं उनको बोल रही थी पैर दर्द है आपके, क्यों आपको ये सब कुछ करना है ऐसे वैसे बोल के, बट देन उन्होंने बोला नहीं खाना तो है, आम के सीजन में पूरम पोली ना बने ऐसा थोड़ी हो सकता है। एंड फिर मम्मी ने बनाया तो मैंने इसलिए रेसिपी पूछी उनसे, क्योंकि ये मैं बनाती ही नहीं हूँ। मैं सिर्फ मम्मी जब बनाती हूँ मैं खाती थी कड़ी, क्योंकि मुझे मेन पूरम पोली पसंद है। कड़ी उतनी पसंद नहीं, बट आज पानी बहुत निकला है इसका, जनरली नहीं निकलता है तो पानी कट निकला है, तो मैं कट की कड़ी बना रही हूँ। उसको एक्चुअल में कट की कड़ी ही बोलते हैं, अगर आप गूगल यूट्यूब पर भी सर्च करोगे तो कट की कड़ी ही बोल के सर्च करना। तो ये हमारी थोड़ी डिफरेंट टाइप होती है, अदरक लहसुन प्याज एंड कड़ी पत्ता धनिया और क्या बोला मम्मी ने, इमली का पानी लास्ट में, ये सबको मिक्सी ग्राइंडर में, ये प्याज भी डाल के मिक्सी ग्राइंडर में घुमा के फिर उसको हमारी हुबली की मसाली मिर्ची वगैरह डाल के बनानी है। मैं एंड में दिखाऊंगी आपको कैसी बनी है। तो वही अभी दाल एक और बार चढ़ाई मैंने, थोड़ी और गलनी थी वो तो एक और बार चढ़ाई है। अभी के पिसने के लिए क्या क्या मसाला चाहिए मैंने तैयार करके रखा, जो जो मम्मी ने बोला था। ये लहसुन मैंने निकाल के रखे हैं ताकि बाद में कड़ी को तड़का लगाने के लिए। और इसमें देखिए धनिया, फ्रेश हरा धनिया, लहसुन और ये जो भुनी हुई प्याज थी ना उसके टुकड़े कर लिए मैंने, फिर थोड़ा सा अदरक, कड़ी पत्ता एंड सूखा नारियल। कच्चा नारियल भी डाल सकते हैं मम्मी ने बोला, बट मैं सूखा डाल रही हूँ। मसाला तो दिखा दिया मैंने और पानी निकला, तो उसमें कड़ी पत्ता गुड़ एंड नमक डाल के रखा है और इसको अभी मैं गैस पर चढ़ाऊंगी। एक्चुअली क्या हुआ, मेरी सासू माँ ने बहुत सारा गुड़ दे के भेजा था, 2-3 किलो गुड़ है। ये देखिए कैसे फंगस आ गया इसमें रखे रखे। सिंगापुर का वेदर इतना गंदा है कि हर चीज़ पर यहाँ पर फंगस लग जाता है, तो ये देखिए कितना फंगस, ये पूरा वेस्ट हो गया है। अभी अराउंड 3 किलो गुड़ था ये, तो लकीली मैं एक्स्ट्रा ला के रखती हूँ हमेशा, तो ये ऑर्गेनिक जैगरी है, तो यही अभी यूज़ करके मैं पूरम पूड़ी बनाऊँगी। एंड आटा गूंद के रख रही हूँ मैं पूरी के लिए, क्योंकि वो भीगना चाहिए आटा, वरना उसमें वो इलास्टिसिटी नहीं आती है। गुड़ डाल के पकने के लिए रख दिया है और ये मसाला बनाया है जो कि इसमें जाएगा फिलिंग में, वो है सौंफ, इलायची। इसको थोड़ा सा भून लिया है, थोड़ा सा, कलर वलर चेंज नहीं करना है, बस इसको जल्दी से ये पिस जाए तो इसको भून लेना है थोड़ा सा। मम्मी इसमें ड्राई जिंजर पाउडर भी डालते थे बट मैं नहीं डालती क्योंकि मुझे पसंद नहीं है वो। तो ये इसका मसाला भी रेडी कर रही हूँ अभी मैं। सो यहाँ देखिए पूरा पूरन तैयार हो गया है, इसमें मैंने सौंफ और उसका भी पाउडर डाल दिया है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। इलायची मैं ज़्यादा डालती हूँ, मम्मी ने मुझे हमेशा सिखाया है कि मीठे में कभी भी इलायची की कमी मत रखना, क्योंकि इलायची से ही टेस्ट आता है। और फिर ये थोड़ा गर्म होगा, कड़ी भी रेडी हो गई है, इसकी शक्ल देखना आप, इतनी यम्मी बनी है मालूम। मैंने अभी थोड़ी सी टेस्ट की इसको, गरम राइस घी और ये खाइएगा, वाह वाह मज़ा आ जाता है। ये भी रेडी हो गई, ये शाम का डिनर ऑलमोस्ट तैयार है। सनी ये नहीं खाएंगे, उनको मुझे पता है कड़ी नहीं खाते हैं वो, बट ये पूरम पोली ज़रूर खाते हैं सनी, तो ये पूरम पोली और रोटी और सब्ज़ी खा लेंगे वो। ये अराउंड 4 बजे हैं, तो अभी हम वाटरमेलन खाने वाले हैं। ये सनी का है और ये मेरा हिस्सा है, तो अभी मैं कट कर लूँगी, फर्स्ट सनी को कट करके दे रही हूँ। तो खाना तो बन चुका है अभी, तो अभी वाटरमेलन खाएंगे, फिर शाम को एक्सरसाइज का वेट करेंगे। ये धनिया कहाँ से लग गया।
फिर मैं यहाँ पे रिलैक्स होके आराम से वाटरमेलन खाते हुए बैठ गई, क्योंकि ये टाइम होता है जब आप आराम से बैठ रहे हो, टीवी देख रहे हो, अपने आप के लिए टाइम दे रहे हो, गाने सुन रहे हो। जैसे कि मैं यहाँ पे गाने चला के आराम से सुनते हुए बैठी थी, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया था एंड इसके बाद मुझे एक्सरसाइज़ भी जाना था। मैं बस वेट कर रही थी कि सनी अपना काम ख़त्म करके आए और हम दोनों एक्सरसाइज़ करने जाए। उससे पहले हमने फ्रूट खाया, कभी कभी नट्स खाते हैं। तो अभी मैं एक्सरसाइज़ करने आई और बारिश का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो मैं और सनी आजकल दोनों मिलके एक्सरसाइज करने लगे हैं। तो मैंने सनी को भेज दिया ऊपर, क्योंकि विंडोज़ ओपन रख के आई थी और मैं मिर्च वगैरह सुखाने के लिए रखी थी, तो सब कुछ शायद बारिश की वजह से भीग सकता है, तो इसीलिए मैंने सनी को ऊपर भेजा। वो अपनी एक्सरसाइज करके गए हुए हैं। अभी मेरा थोड़ा सा बाकी है 10-15 मिनट का, तो वो करके फटाक से मैं इंडियन स्टोर जाऊँगी, क्योंकि मुझे आम लाना है। जब पूरम पोली होती है उसके साथ आम का रस होना बनता है, तो कड़ी आम का रस पूरम पोली परफेक्ट कॉम्बिनेशन। मेरे मुँह में ऑलरेडी पानी आ रहा है। तो ये अभी जाके इंडियन शॉप से हम आम लेके आएंगे एक्सरसाइज के बाद। फ्रेश आम लाके अभी मैंने जूस बनाया, इसका मतलब रस बनाया है। और यहाँ पे मैं अभी इलायची को पाउडर कर रही हूँ, और ये रहा पूरन जो मैंने बना के रख दिया है, और आटा भी भून के रख दिया मैंने। ये देखिए, ये वाला आटा सेपरेट लगता है, ये थोड़ा सा चिपचिपा होता है, मतलब लिसलिसा बोलते हैं ना, क्योंकि इससे ना पूरन पूरी एकदम बटर पेपर पे मैं बेलती हूँ। वो चपाती का आटा था, ये पूरन का था, सॉरी मैं कंफ्यूज हो गई। तो क्योंकि सनी के लिए फुलके बनाने, तो अभी रेडी करके रखा है। अभी फटाक से इसको पाउडर करके फिर इसमें डालते हैं। फर्स्ट पूरी बन के तैयार है। थोड़ा फर्स्ट फट जाती है, क्योंकि तवा परफेक्ट गरम नहीं था ना। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट है। अब इसको इस पर डालेंगे और सेकेंगे। फर्स्ट वाली को निकालते हैं, खुशबू फैल चुकी है, तो मैं सबसे पहले ना ऑयल को डालूँगी। ये मैं सनी को ना पूरन पोड़ी के अंदर घी लगा के ही दे रही हूँ। मुझे ऊपर से घी खाना पसंद है, बट सनी को मैं ऐसे कुछ करके दे रही हूँ ताकि आराम से वो खा पाए। आइए आप सब लोग भी खाइएगा मेरे साथ मस्त सी पूरम पोली, कट की कड़ी एंड आम का रस। यमी, एकदम यमी, टॉप लेवल बना था खाना। तो दोस्तों, फाइनली डिनर विनर सब कुछ हो चुका है। एक अलग टाइप का सेटिस्फेक्शन मिलता है जब आप ऐसे अपनी क्रेविंग्स को मिटाने के लिए इतने पुरानी रेसिपीज़ को बना के खुद से खा रहे हो। वो मज़ा ना पैसे दे के खाने में वो मज़ा नहीं आता है, जब आप खुद से अपना बना के खाते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे पर्सनली ये बहुत पसंद आता है कि मैं खुद से बनाऊँ और खुद से खाऊँ जब तक मेरे अंदर ताकत है, ठीक है। एंड ऑल्सो आज मैं पूरा ये जो प्रोसेस बना रही थी, सब कर रही थी ना, तो मुझे मेरी नानी की बहुत याद आई। मेरी नानी, नॉट इन लिटरल सेंस नानी, मतलब मेरी मम्मी की मम्मी नहीं, बट मेरी एक्चुअल जो नानी है उनकी कज़िन सिस्टर, ठीक है, उनको भी हम नानी बुलाते थे। वो बचपन से ही मेरे नानी के घर में ही थी, तो मेरे मम्मी उम्मी को सबको उन्होंने बड़ा किया है, हमको भी इनफैक्ट उन्होंने बड़ा किया है। एंड आई एम श्योर जो भी मेरा व्लॉग देख रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो उनके हाथ का खाना ज़रूर खाए हैं, चाहे वो मेरे फ्रेंड्स में हो या मेरे रिलेटिव्स जो भी देख रहे हैं मेरे वीडियो, मेरे मम्मी पापा हुए, सभी लोगों के इंक्लूडिंग मी, उनके हाथ का खाना हमने ज़रूर खाया है। एंड सनी तक भी उनके हाथ का खाना खाए हैं जब ईद वगैरह हो थी, जब हमारी नई नई शादी हुई थी। अब शी इज़ वेरी ओल्ड, वो अभी कुछ कर नहीं सकते, बट ये सारी डिशेस ना वो बनाते थे, ठीक है। उनसे मेरे मम्मी ने सीखा, बैठ गए मम्मी ने सीखा, एंड फिर उन्होंने लिख भी लिया था बुक में। मम्मी की एक कुकिंग डायरी है, तो मम्मी का देख के मैं भी एक कुकिंग डायरी मेंटेन करती हूँ। उसमें मैं सारे मेरे रेसिपीज़ लिखती हूँ, ताकि ना वो सिर्फ मेरे साथ ही ख़त्म ना हो जाए ना। अगर बच्चे आगे जाके कोई भी मेरे रेसिपीज़ देख के, या कहीं भी, यू नेवर नो यार क्या होने वाला है आगे, बट देन मैं तो मेरे रेसिपीज़ लिख के रखी हूँ। अब जैसे ना आज वो कड़ी बनानी थी, तो मैंने मम्मी से पूछा, ठीक है, तो मैं पूछ के बनाई। अब उसको मैंने लिख के रख दिया है ताकि मैं कभी उसको भूलूँ भी ना, क्योंकि ये ऑफन नहीं बनाते रहते ना, तो वी टेंड टू फॉरगेट। एंड ऑल्सो मैं सभी लेडीज़ को बोलना चाहती हूँ जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं, आपके बड़े बूढ़े जो हैं ना घर पे, उनसे आप रेसिपीज़ मांगिए, सीखिए एंड खुद बनाइए एक दो बार, क्योंकि ना हमारे जो बड़े हैं ना, वो धीरे 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 उनकी उम्र होती जाएगी, एंड यू नेवर नो कब क्या होता है, उनके अंदर ताकत भी कम हो जाती है, यू नो।
और वो खड़े होकर कर नहीं सकते हैं बहुत सारे काम, तो अच्छा है कि हम सीख लें उन चीज़ों को एंड हम उन चीज़ों को आगे लेके जाए। तो कुकिंग में स्पेशली यू नो, क्योंकि ऐसी सारी बहुत सारी रेसिपीज़ हैं जो अभी आई थिंक वैनिश ही हो रही है, तो मैं ये बहुत पसंद करती हूँ कि मैं मेरे पापा की साइड की, मेरे मम्मी की साइड की सारी रेसिपीज़ मैं बनाऊँ, उनसे सीखे। मैं पापा की साइड से भी जब मैं जाती हूँ गाँव वगैरह तो वहाँ से भी मैं सीख के आके बनाती हूँ, तो मेरे अंदर वो बहुत है। सो या यही बात बतानी थी मुझे, जो भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं या फॉलो भी करते हैं मुझे मेरे थोड़ी सी एडवाइस को, तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मैं मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। अंटिल देन डू वॉट मेक्स यू हैप्पी गाइज, एंड पूरम पूरी मेड मी सो हैप्पी टुडे, आज बहुत अच्छे से नींद आएगी मुझे ना, लिटरली सनी को तो इतने पसंद आए, बोल रहे थे कि बहुत अच्छे बने हैं, हाय दिल में सुकून मिल जाए।